उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से गिरफ्तार किए गए दो आतंकियों को लेकर यूपी पुलिस ने कई बड़े खुलासे किए हैं। ये आतंकवादी पाकिस्तान के पेशावर शहर से हैंडल किए जा रहे थे। इन आतंकवादियों की योजना उत्तर प्रदेश समेत देश के कई शहरों में 15 अगस्त से पहले या इसके आसपास कई बम धमाके करने की योजना थी। इनके पास से अवैध हथियार, विस्फोटक और असलहे बरामद किए गए हैं। ये बड़े आतंकी नेटवर्क के हिस्से थे। रविवार को लखनऊ के काकोरी से यूपी पुलिस और एटीएस ने दो संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। इन गिरफ्तार आतंकवादियों को लेकर यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि यूपी एटीएस ने बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए अलकायदा के अंसार गजवत उल हिंद से जुड़े दो आतंकवादियों मिनहाज अहमद और मसीरुद्दीन को गिरफ्तार किया है। ये आतंकी उमर हलमंडी नामक आतंकी के इशारे पर काम कर रहे थे। उमर हलमंडी पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर क्षेत्र से आतंकवादी गतिविधियां चलाता है और उसे भारत में आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करने के लिए निर्देश दिए गए थे। उमर हलमंडी ने कुछ जिहादी प्रवृत्ति के लोगों को लखनऊ में चिन्हित और नियुक्त करके अलकायदा के मॉड्यूल को खड़ा किया। यूपी एडीजी के मुताबिक संदिग्ध आतंकियों के पास से विस्फोटक और असले बरामद किए गए हैं। दोनों आतंकियों के पाकिस्तान से भी कनेक्शन है। ये दोनों पाकिस्तान से हैंडल हो रहे थे और 15 अगस्त से पहले इनकी प्रदेश को दहलाने वाली योजना थी। धमाके की योजना बनाने में सिराज अहमद का बेटा मिनहाज अहमद, जो कि रिंग रोड का रहने वाला है, और अमीनुद्दीन का बेटा मसीरुद्दीन मुख्य भूमिका निभा रहे थे। इस आतंकवादी गिरोह में लखनऊ, कानपुर के अलावा कई अन्य साथी भी इसमें शामिल हैं। इन सबके द्वारा उत्तर प्रदेश में मुख्यतः लखनऊ में कभी भी आतंकवादी घटना की जा सकती थी। जानकारी मिलने के बाद गंभीरता को देखते हुए आतंकवादियों की गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा टीमों का गठन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आतंकियों से पूछताछ जारी है। इस मामले में पुलिस आगे और बड़े खुलासे कर सकती है।